कर्नाटक पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर और नंदा नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। दोनों स्थानों पर जनसमूह के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का आधार जाति, मत, मजहब या क्षेत्र नहीं है, बल्कि गाँव, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान हैं। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको पहले कोई कल्पना उसकी कभी नहीं कर सकता था। देश में 4 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को मुफ्त मकान की सुविधा मिली है। राज्य में 15 करोड़ लोगों को 3.5 साल से मुफ्त राशन मिल रहा है और ये अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि आज नए परिवेश में बदलते नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में बदलते गोरखपुर के भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ खाद कारखाना शुरू हो चुका है, एम्स खुल चुका है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा का उत्कर्ष केंद्र बन चुका है। जो रामगढ़ ताल अपराध का गढ़ हुआ करता था आज पर्यटन के नक्शे पर चमक रहा है। आज आप गोरखपुर को बदलते हुए गोरखपुर को देख रहे हो। करोड़ सड़कों का जाल फैल रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता था। आज तो गोरखपुर में एम्स भी है और फर्टिलाइजर के साथ साथ तमाम अन्य संस्थान भी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो पहले बीमार था आज बीमारों का उपचार कर रहा है। भाइयों बहनों, यही है परिवर्तन। विकसित भारत हम सब का संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है। और आइए देखते हैं अयोध्या से जुड़ी खबर।